गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने पिछली क्लास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक पढ़ लिया था और अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आपके सामने एक एग्जांपल है। तो एक तरीका जो अब तक हम करते आए हैं कि सबका एक साथ एलसीएम ले लो और फिर सबको ऐसे सॉल्व कर दो, लेकिन अब हमने ये चैप्टर पढ़ा जिसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, तो अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज में लेते हुए क्वेश्चन करेंगे और उससे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 7 है, यहाँ 21 है और दोनों में 7 कॉमन है। यहाँ 11 या 22, दोनों में 11 कॉमन है, तो इस वजह से 7 और 21 दोनों को एक जगह लिख लेते हैं और 11 22 वाले को एक जगह लिख लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम कि हमने ये पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे a और ये b है, इन दोनों को देख लेते हैं a प्लस बी, इन दोनों को देख लेते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब इसको इधर और इसको इधर कर दिया। देखो दोनों यहीं यहाँ पे ऐसे हो रहे हैं। और हमने ये पढ़ा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि जब हम ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या यूज़ में लिया गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को यूज़ में लिया है। तो आपको ये लिखना है यहाँ पे और फिर इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वो 21 आएगा, इन दोनों का 22 आएगा। तो ये क्वेश्चन ईजी हो गया। तो आप सब देख रहे हैं कि हम हमेशा क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ में लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 और 21 में 7 कॉमन आ रहा था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 7 और 14 दोनों में से हमारे पास 7 कॉमन है, 7 और 14, और 5 और 15 में 5 कॉमन है, 3 और 9 में 3 कॉमन है। तो ये कटेंगे आपस में, हमको दिख रहा है 4 और 16 कटेंगे। तो अब तक हम ये जो करते आए हैं वो हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन अब हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे जिससे आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लिख दिया, 5 और 15 वाले को, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख दिया तो वापस से यही चीज़ आएगी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाली, और मैंने समझा दिया ये। अब जब इन दोनों को काटेंगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और वो जल्दी से हो जाएगा फिर। तो आगे के टॉपिक पे चलते हैं, द रोल ऑफ ज़ीरो। हमने अब तक ये पढ़ा या हम ये जानते हैं कि जब किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर बदलता नहीं है, वही रहता है। इसलिए ज़ीरो को हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे हम। ज़ीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन या फिर एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। आइडेंटिटी इसलिए क्योंकि जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है, और एडिशन के लिए इसलिए क्योंकि ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं, और एडिटिव आइडेंटिटी मैंने बता ही दिया, तो इसलिए ज़ीरो को हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब ऐसे ही एक नंबर ऐसा बताना है, अगर किसी नंबर में वो मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो 1 ही है, इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, या फिर आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब आगे चलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अगर हम किसी नंबर को लेते हैं और उसका नेगेटिव कर देते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर हो जाएगा, या फिर हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स इसलिए क्योंकि एक तो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को जब हम जोड़ेंगे एक नंबर को और उसके एडिटिव इन्वर्स को या फिर उसके नेगेटिव नंबर को, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, इसलिए इसको इन्वर्स तो कहते हैं। इन्वर्स इसलिए क्योंकि ये इसका उल्टा है, और एडिटिव इन्वर्स क्यों, क्योंकि ये दोनों इन दोनों को ऐड करते हैं तो ज़ीरो आ जाता है इस वजह से, ठीक है। चलो अब रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर।
रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जैसे ए अपॉन बी है तो वो बी अपॉन ए हो जाए, मतलब कि एक फ्रैक्शन होता है उसी के लिए रेसिप्रोकल बताया जाता है। जैसे 8/21 है तो वो 21/8 हो गया। अब रेसिप्रोकल भी कहते हैं इसको और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल को जब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 1। इस वजह से जो उसका रेसिप्रोकल होता है उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। मतलब एक प्रॉपर्टी और आई है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है? इसके नाम से पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब वो कौन सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी? अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, -3/4 दिख रहा है और अंदर दो नंबर लिखे हुए हैं। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि अगर हम 2/3 और 3/4 को मल्टीप्लाई करें अलग से, और 3/4 और 5/6 को अलग से मल्टीप्लाई करें, और जो दो अलग अलग आंसर आए उन दोनों को जोड़ दें, तो क्या आंसर सेम ही रहेगा जो इस वाले सिंपल सिंपल तरीके से आ रहा है? मतलब इसको हम एलसीएम वगैरह लेके करेंगे तो तब भी आंसर वही आएगा क्या जो हम ऐसे करके करेंगे? तो हमने करके देख लिया, क्या क्या देखा है हमने? देखो 3/4 और 2/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3/4 2/3 को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब 3/4 और 5/6 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3/4 और 5/6 को मल्टीप्लाई कर लिया अलग से। अब जो हमारे दोनों आंसर आए 1/2 और 5/8, उन दोनों को अलग से ऐड कर लिया। तो और हम जो एलसीएम लेके करा था तो वो आंसर आ रहा था 1/8 आ रहा था। अब देखते हैं वो आंसर सेम आ रहा है क्या। अब देखो 1/8 ही आ रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है किसकी यहाँ पे देखो, डिस्ट्रीब्यूटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, किसकी डिस्ट्रीब्यूटिव है यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। ओवर एडिशन मतलब दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उसमें मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, सारे एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे। अब देखो राइट द एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उसी नंबर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/19 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज द सेम एज एक्स फॉर दिस। अब माइनस ऑफ माइनस यहाँ से दिख रहा है साफ साफ कि माइनस और माइनस को इंटू करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और एक्स ही रह जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि यही वेरीफाई करो कि माइनस ऑफ माइनस एक्स एक्स ही रहता है। ठीक है, तो अब हम ध्यान से देखते हैं, 3/17 है, उसका माइनस ऑफ एक्स क्या होगा? -13/17, और उसका भी माइनस क्या होगा? +13/17। तो यही चीज़ देखो इसने यहाँ यहाँ पे करी है, माइनस एक बार तो माइनस में कन्वर्ट कर दिया और फिर वापस से माइनस से मल्टीप्लाई करा ना तो वो एक्स ही आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई गई है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले भी हमने सीख ली है, तो हम क्या करेंगे कि देखो इसने पहले करा क्या है, अब हम इससे सीखने की कोशिश करेंगे। इसने 1/14 है, ठीक है, और 3/5 दिख रहा है आपको, 3/5, 3/7, 3/7 दोनों में कॉमन है, 3/7 दोनों में कॉमन है, तो इसने 3/7 को कॉमन ले लिया, 3/7 को कॉमन ले लिया और बाकी ऐसे लिख दिया। अब देखो आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो इससे पीछे वाली स्टेप में जाते हैं, 3/7 और 2/5 मल्टीप्लाई हो रखा है। देखो 3/7 और 2/5 मल्टीप्लाई हो रखा है ना, और 3/7 और 3/5 मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 3/7 और 3/5 मल्टीप्लाई हो रखा है और 1/14 ऐसे कि ऐसे लिखा हुआ है। तो हम ऐसे किसी भी चीज़ को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हम कॉमन लेना अगर आपको टीचर्स ने कभी बताया भी होगा तो वो कौन सी प्रॉपर्टी से आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आता है।
ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो पीछे वाली स्टेप में जाके देख लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए करते हैं, क्योंकि अब हम सिंपल एडिशन कर लेंगे और फिर पूरे आंसर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ रही थी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। अब इसमें अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसमें आपको सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करनी है। एक हिंट दे देता हूँ मैं, 3/5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और इसी क्वेश्चन की तरह करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एडिटिव इन्वर्स करना है। एडिटिव इन्वर्स करना है मतलब 2/8 का, 2/8 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में वहाँ पर जाके देख लो आप। फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होता है? एक नंबर का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो बस, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/13 आ जाएगा। ऐसे करना है आपको सारे क्वेश्चन। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर आ रहा है, इसलिए इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/7, और जो 16/7 है माइनस का, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा है। टेल द व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एंड दिस। अब इसमें आपको पीछे वाले वीडियोस में जाके देख लेना, वैसे तो इसका आंसर बहुत इजी है, तो आप पीछे वाले वीडियोस में जाके देखना। जब हम ब्रैकेट्स चेंज कर दे तो वो आइडेंटिटी कौन सी होती है? ठीक है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस एंड दिस। अब इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमको ये दिख रहा है कि ये अजीब सी जो टर्म है वो क्या है, तो हम देखेंगे 1 एंड 1/8। ठीक है, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना आता हो तो देख लीजिए यहाँ पे, ये इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं ऐसे को, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1+1/8। ठीक है, तो इसके एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेके जब करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 9/8। देख लीजिए यहाँ पे 8/8 हो जाएगा और यहाँ पे 9/8 हो जाएगा, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 1 जा 8 + 1 9, 9 ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर का भी चेंज नहीं होता है, तो ये जो है ये सिंपल फ्रैक्शन है। तो आई होप इसके आगे तो आप कर ही लेंगे, इसके आगे मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। तो मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। अब हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था, तो आइए अप्लाई करते हैं उसको। 3 3 जन 9 + 1 10, 10/3, 10/3, तो 3 एंड 1/3, इसको क्या लिखेंगे? 10/3, दिख रहा है ये, इसको क्या लिख रहे हैं हम? 10/3। और ये वाला नंबर है 0.3। अब डेसिमल को भी हमको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे? सॉरी सॉरी, हम 0.3 को क्या लिखेंगे? इसका डेसिमल हटेगा तो 3/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया तो आप कर ही लेंगे। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, एक तो देख लेते हैं, वैसे ही आपको आएंगे नहीं इस वजह से, ये तीन देख लेते हैं, बाकी ये सब आपको खुद ही करने हैं। द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब देखो ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं है? मतलब कि जैसे जैसे मान लो रैशनल नंबर है ए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपन 1/a नहीं लिख सकते हैं? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही है। क्यों ज़ीरो क्यों है? क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा, मतलब ज़ीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, मतलब कि 0 = 0/1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना 0/1 का, है ना, तो देखो वो क्या हो जाएगा? 1/0। तो ये क्या होता है? नॉट
डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती वन अपॉन ज़ीरो की, ठीक है, तो इस वजह से, या फिर हम इसको कह सकते हैं इन्फिनिटी, तो ज़ीरो एक ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, मतलब कि ऐसा कौन से रैशनल नंबर है, नंबर्स आ गया ना तो मतलब प्लूरल हो गया वो, और ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल उन्हीं नंबर्स के इक्वल होते हैं। अब ऐसा हमारे पास ऐसे दो ही नंबर है, एक तो वन है और एक माइनस वन है, वन का रेसिप्रोकल वन अपॉन वन मतलब वन, और माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन अपॉन वन जो भी माइनस वन है, तो इसलिए हमारे पास ये दो नंबर है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, अब इसका आंसर भी ज़ीरो ही है, कैसे, ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो और उसका नेगेटिव दोनों एक ही वैल्यू है, इस वजह से इसका आंसर ज़ीरो है। अब बाकी तो आप कर ही लेंगे। अब ये जो फोर्थ वाला है ना, इसका आंसर है नॉट डिफाइंड, मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया था, और ये पहले फर्स्ट वाले क्लोजर प्रॉपर्टी से आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, ये भी उसी से आ रहा है। तो अब आइए एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो हम क्या है कि अब बुक में से ना पढ़ के जल्दी हमको समझ में आए तो उससे पढ़ेंगे हम, तो देखो जैसे कि हमारे पास में, जैसे हमारे पास ये है, हमको अगर मान लो ज़ीरो और वन, अगर हमको वन बाई टू और वन दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, वन बाई टू को तो ऐसे ही रहने देंगे और जो वन है उसको टू बाई टू लिख देंगे, और फिर आप जानते हो एक हम नंबर लाइन बनाएंगे और उसके अंदर यहाँ पे तो वन बाई टू होगा और यहाँ पे वन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब मतलब ये वाला क्वेश्चन तो ये था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन द नंबर लाइन, कैसे वन बाई टू और वन को रिप्रेजेंट करना, तो वन को अपन टू बाई टू लिख सकते हैं, तो हमने नंबर लाइन बना के ज़ीरो हाफ और वन और फिर थ्री बाई टू और टू ऐसे था तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमको कुछ रैशनल नंबर्स बताने होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि दो रैशनल नंबर्स ज़ीरो और वन के बीच में हमको अगर दो रैशनल नंबर्स लेने हैं तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में। तो देखो ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री कैसे लिख सकते हैं, थ्री वन जो थ्री, थ्री वन जो थ्री, वापस से ज़ीरो आ गया ना इस वजह से, और वन को भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मतलब कि हम क्या करते हैं, मान लो दो नंबर है हमारे पास ज़ीरो और वन, उनके बीच में दो रैशनल नंबर्स निकाल लेना, तो हम उससे एक ज़्यादा तीन से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, हमेशा ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो तीन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ गया ज़ीरो बाई थ्री है ना, और थ्री बाई थ्री, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये ऊपर वाला थ्री किधर गया, थ्री ज़ीरो जा ज़ीरो, ठीक है। अब नीचे वाले थ्री को इसलिए नहीं हटाया, आपको अब यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। एक नंबर लाइन बनाई हमने और ज़ीरो लिख दिया, फिर वन लिख दिया, ठीक है। फिर अब हमको पता है कि ज़ीरो को हम ज़ीरो बाई थ्री भी लिख सकते हैं, इस ज़ीरो को ज़ीरो बाई थ्री लिख दिया हमने उसके नीचे, ठीक है, और फिर थ्री को थ्री बाई थ्री लिख सकते हैं। अब कोई भी बता देगा कि ज़ीरो बाई थ्री है तो फिर क्या आएगा, वन बाई थ्री, टू बाई थ्री और थ्री बाई थ्री, तो है ही। तो ज़ीरो और वन दोनों के बीच में हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गया, ठीक है।
ठीक है, बहुत इजी था ना। अब अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अगला हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि 1 बाई 2 और 2 बाई 5, ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है। ये तो फर्स्ट वाला तो इजी सा था, अब ये हार्ड वाला करते हैं। 1 बाई 2 और 2 बाई 5 है, इन दोनों के बीच में हमको चार रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने? चार रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ऊपर क्या पढ़ लिया कि हमको जब दो रैशनल नंबर्स चाहिए थे कोई दो नंबरों के बीच में तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था। अब हमको दो रैशनल नंबर्स के बीच में चार रैशनल नंबर चाहिए तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम एलसीएम लेंगे इनका। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, देखो, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम कितना आया, 2 और 5 का एलसीएम कितना आया, 2 और 5 का एलसीएम 10 आया। अब इसको, इसका डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए। कौन कौन से आ गए? 5 बाई 10 और 4 बाई 10। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये जो 4 बाई 10 है ना, ये छोटा है और 5 बाई 10 बड़ा है। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इसकी वैल्यू होगी 0.5 होगी, है ना, डिवाइड करके देख लेना। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.4 होगी। अब आपको पता है कि 0.4 तो क्या होता है? छोटा होता है। और 0.5 क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है तो अब इसको नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं। हमारे पास दो नंबर आ गए, 4 बाई 10 और 5 बाई 10, ठीक है। तो अब हमने ऊपर सीखा था ना कि 0 को 0/3 क्यों लिखा। अब देखो यहाँ पे 4/10 और 5/10 आ गया ना, तो अब हम 1 और 0 को भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? आओ देखते हैं कैसे करेंगे। तो 1 को डिनोमिनेटर, 1 के डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 0 के डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर का जो, जैसे यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ गया था, वैसे ही यहाँ पे 10 और 0 मल्टीप्लाई होके ऊपर तो 0 आ गया और नीचे 10 हो गया। अब हमको पता है कि अब ये 0/10 और ये 10/10 है, इसका मतलब इसके 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो गिन के देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वाई खुद ही है, ठीक है। 10/10 = 1, ठीक है। तो हमारे पास ये 4/10 और 5/10 आ गए। अब हमारे पास, हम ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ हमको यहाँ पे नोट करने वाली है कि हमको निकालना क्या था। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका, जैसे ये दो नंबर, इन दोनों का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और फिर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको कितने नंबर निकालने हैं। जैसे हमको इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 निकालने हैं, 4 निकालने, कितने निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम इन सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे और फिर 0, 1 इन सबको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे और इनको मार्क कर देंगे, इनकी वैल्यू, इनकी लोकेशन हम मार्क कर देंगे। फिर आगे चलते हैं हम। तो याद रखना, 4/10 को 1/2 लिखेंगे और 5/10 को 2/5 लिखेंगे। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 5/10 को 1/2 लिखेंगे, देखो यहाँ से दिख रहा है ना, और इसको ये 2/5 लिखेंगे। फिर देखते हैं, अब हमको मान लेते हैं 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो हमने अभी ये पढ़ा था कि अगर 5 निकालने तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, दोनों को, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए, 24/60, तो ये नंबर खुद ही है।
और बाकी ये सारे नंबर आ गए, और 30/60 ये खुद ही है। तो अब देखो ध्यान से, 2/5 था उसको हम 4/10 भी लिख सकते हैं। क्यों ये क्यों लिखा था? डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। 1/2 को 5/10 भी लिख सकते हैं, वो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए लिखा था। फिर हमको रैशनल नंबर्स निकालने थे, तो इस वजह से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था, तो उससे ये आ गया। तो ये जो 24/60 दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू भी 2/5 ही है। जब आप इसको काटेंगे तो 2/5 ही आएगा। इसीलिए हमारे पास ये दो नंबर आ गए ना, अब इनके बीच में ये पाँच नंबर आ गए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक बार और वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज कर लेते हैं? सबसे पहले तो इसको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। फिर डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद में उसकी ओरिजिनल लोकेशन नंबर लाइन पे मार्क करनी है, और 0, 1, 2 इन सबको भी इसी फॉर्म में मार्क करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जितने नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नंबर लाइन पे मार्क कर दो। ये तीनों लिखना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी याद रखना। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ आती है छोटी मोटी, वो ये चीज़ है कि जैसे जैसे है ना, 7/4 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले भी बताया था मैंने अभी आपको, क्या लिख सकते हैं? 1 and 3/4, और इसकी वैल्यू 1+3/4 है। अब ये 1 and 3/4 कैसे आया? देखो, 7 को डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, 3 रिमाइंडर बच गया। तो अब जो डिनोमिनेटर में हमेशा ये जो डिविजर है ना, ये हमेशा रहता है। तो देखो, डिनोमिनेटर में ये डिविजर है। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह रहेगा। तो हम क्या करते हैं, क्वोशेंट है वो यहाँ आ जाता है, और जो फ्रैक्शन है वो ये हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे, अब इसको हम 1 को लिख क्या लिख सकते हैं, 4/4 भी लिख सकते हैं। 1 को 4/4 लिख सकते हैं ना, तो 4/4 में एलसीएम सेम ही है, तो 4+3 7, 7/4 भी लिख सकते हैं। समझ लो आप, तो इस वजह से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वोशेंट आता है वो यहाँ आता है, रिमाइंडर जो आता है वो ऊपर आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमने ये सब सीख लिए हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास में आता है देखो, ये वही वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 2/2। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर उसके बाद में जितने नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे ही होंगे, ये क्वेश्चन भी वही है। अब देखो हमारे पास ये आता है, एक्सरसाइज आती है, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है 7/4 वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 7/4 को 1+3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन है उस पर 0, 1, 2, 3, 4 सब आएगा। तो अब देखो, ये दिख रहा है आपको 1+3/4, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 7/4 है ना वो 1 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं हम, एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, तो वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 से बड़ा होगा, तो क्या करेंगे हम, 0 को क्या लिखेंगे, 0/4 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 0 को क्या लिखेंगे, 0/4 लिख देंगे। ठीक है, 1 को क्या लिखेंगे, 4/4 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 को क्या लिखेंगे, 8/4 लिख देंगे। और वो दिख रहा है ना आपको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 था ना, इसको नंबर लाइन पे मार्क करना है ना, तो इसलिए हमने इस ऐसे कर लिया। अब 0/4, 4/4 और 8/4 आ गया हमारे पास में। अब आगे चलते हैं। अब देखो,
ये रहा ज़ीरो, उसको 0/4 लिख दिया। ये रहा वन, इसको 4/4 लिख दिया। ये रहा टू, इसको 8/4 लिख दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ज़ीरो से लेके 8 तक गिनती लिखनी है और बाकी डिनोमिनेटर सबका एक ही रखना है। तो 0/4, 0/4 है ना, वो यही चीज़ है। तो उसके बाद में क्या आएगा, 1/4 आएगा। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 2/4 आएगा। फिर उसके बाद में 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया बस वैसे कर लो, आपको आ जाएगा। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने करा कैसे है। हमारे पास में क्वेश्चन था 7/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। हमने इसको क्या कर लिया, सबसे पहले तो देखा कि ये 1 से बड़ा है, मिक्स फ्रैक्शन में बना के, और ऐसे बना लिया। फिर वो पता चल गया 1 से बड़ा है, या फिर डिवाइड करोगे ना डेसिमल में भी पता चल जाएगा कि ये 1 से बड़ा है, ठीक है। तो लेकिन उसमें डिनोमिनेटर का पता नहीं चलेगा, इसलिए इस फॉर्म में उसको, अगर न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो ना, तो ये क्या होता है, ये इस फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं होता एक्चुअल में, ये 1 आ गया ना इसमें, ये 1 क्या है, इंटीजर है। तो इसको अलग करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने इसका जो डिनोमिनेटर था उसके हिसाब से सबको मार्क कर, सबको बना लिया, 0, 1, 2, सबको यही बना लिया, सबको 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 0/4 ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने ये 3 नंबर मार्क करके और फिर गिनती लिखी और कुछ भी नहीं करा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अभी हमने क्वेश्चन करा था ना उसका जैसा ये है, लेकिन अब इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखो न्यूमरेटर था ना वो बड़ा था। अब देखो इन सब में न्यूमरेटर क्या है, ये न्यूमरेटर है ना वो छोटा है, तो मतलब ये प्योर फ्रैक्शन में है, ये इसकी तरह नहीं है, ये इम्प्योर फ्रैक्शन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, अब ये रैशनल नंबर्स के लिए बोल रहा है ना, तो वैसे तो इसमें अपन को ये भी लिख सकते हैं, इससे 2 से छोटे बताने हैं ना 5 रैशनल नंबर, तो हम ये लिख सकते हैं 1, 0, -1, -2, -3, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर्स ही, सब के अपॉन में 1 कर दो वो रैशनल नंबर्स ही है, ठीक है। अब इसको हमको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे जैसे हम अभी कर रहे थे ना, ये ऐसे ऐसे सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये, और इसमें भी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, ये और ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो आई हेयर बाय इंट्रोड्यूस कि आपका जो पूरा चैप्टर है ना वो ख़त्म हो गया है, और आपको कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, पुराने जो वीडियोस है उनको देखेंगे, उसके बाद भी कोई डाउट आ रहा है आपको तो आप ग्रुप पे या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट्स में। ओके बाय, थैंक यू। और आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आप पूरा काम कॉपी में करें, ठीक है।